हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ। जैसा कि आप लोग बहुत सारा वीडियो देखे होंगे कि मोबाइल से सोना निकाला जाता है, तो आज मेरे पास जितना भी वेस्ट मोबाइल है वो सब मोबाइल से सोना निकालेंगे। मतलब एक मोबाइल में से करीब 700 से लेके 1000 के आसपास सोना निकलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे पास बहुत सारा मदरबोर्ड है, जो कि अभी दीपावली आ रही है तो दुकान को साफ़ कर रहे हैं, तो जितना भी मदरबोर्ड या फिर ख़राब मोबाइल होगा वो सब में से सोना निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि चैनल पर न है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो लाऊं तब तक पहुंच पाए। मास्क इसलिए लगा लिए हैं कि शायद एलर्जी ना हो जाए इस वजह से। बाकी मेरे पास बहुत सारा फ़ोन है जो कि डेड पड़ी हुई है। तो चलिए यही सब कुछ आज जानेंगे, कैसे क्या करना है, कैसे सोना निकाला जाता है फ़ोन से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जितना भी आप देख रहे हैं, इस पूरे में मदरबोर्ड है जो कि पूरा वेस्ट हो चुका है, बहुत दिन से स्टॉक पड़ी हुई थी यहाँ पे है। देखिए सब के सब, इस सब से सोना निकालना है मेरे को। तो ये रिपेयर सर्विस सेंटर है, यहाँ पे फ़ोन रिपेयर होता है। तो इतना सारा मदरबोर्ड है जो कि सबसे सोना निकालेंगे। ये आईफोन है, इसको साइड में रखते हैं, पता नहीं। हो ये सब तो आईफोन है, इसको साइड में रखना पड़ेगा। तो अगर आपको भी सीखना है मोबाइल से सोना निकालना तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से निकाला जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जितना भी मोबाइल है सब मोबाइल को इकट्ठा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या प्रोसेस है। दुकान को लगातार साफ 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 करके थक गए हैं, यानी कि पूरा सांस फूल रही है। करीब 2 घंटे से साफ़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारा काम है। और पूरे साइड तो साफ अच्छे से कर लिए हैं, और एक साइड बचा हुआ है जहाँ पे कि मोबाइल का जितना भी आइटम है तो उसको मेरे को ही साफ़ करना होगा, क्योंकि इधर उधर हो जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम होती है कुछ कुछ चीज़ ढूंढने में। तो मैं बोल रहा था कि देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर MI का मदरबोर्ड है, ठीक है, MI का मदरबोर्ड है तो 256 GB है, 128 GB है, या फिर 64 GB है, 32 GB है, अलग अलग GB के हिसाब से प्राइस है। सबसे ज़्यादा प्राइस मिल जाता है MI के फ़ोन का, यानी Redmi के मोबाइल का। तो मान लीजिए ना, अगर 128 GB का इंटरनल स्टोरेज वाला आपके पास ख़राब मदरबोर्ड है तो उसका प्राइस 700 से लेके 800 तक आ सकता है, ठीक है। 700-800 में आप भंगार वाला से भी बेच सकते हैं, हालांकि उतना पैसा देता नहीं है क्योंकि उन लोग को लगता है कि सबको पता नहीं है। शायद आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन आज तो पता चल गया। तो अगर आपके पास बेस्ट मोबाइल है तो उसको फेंकिए नहीं, आप भंगार वाले कहाँ से बेच सकते हैं, वो भी बेस्ट प्राइस में। आपसे उतना 700-800 में तो लेगा नहीं, तो आपको जो बेस्ट प्राइस लगेगा उतना में बेच सकते हैं। और गाँव ऐसा में जितना भी देखते हैं जो भंगार वाले आके लोटा छिपा क्या क्या से एक्सचेंज करके ले जाते हैं मदरबोर्ड, यानी टूटा हुआ मोबाइल, वो सब यही होता है, मोबाइल से सोना निकाला जाता है। तो इसमें थोड़ा टफ प्रक्रिया है। तो इसके लिए अगर आपको पूरा डिटेल्स वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ उस वीडियो के। देखिए मेरा ही वीडियो है, उसमें आपको बताया हूँ किस तरीके से सोना निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।